सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम एक धान के प्लॉट में आए हुए हैं और यहां पर किसान साथियों फर्स्ट नाइट्रोजन की डोज दी जा रही है। आइए किसान साथियों, अब हम कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो किसान साथियों, अब हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे किसान साथी डोज बनाकर लेके आए हैं या फर्स्ट यूरिया अपने धान में दे रहे हैं। और किसान साथी, इस समय आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी इसको छिटक विधि से ही दे रहे हैं। और इस समय जो आपको वीडियो में हमारे किसान साथी दिख रहे हैं, ये किसान साथी अपने इस धान की प्लॉट में किसान साथी फर्स्ट डोज यूरिया की या नाइट्रोजन की दे रहे हैं। और उसमें किसान साथी, हमारे किसान साथी ने नाइट्रोजन के साथ में फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ साथ में हमारे किसान साथी इसमें एग्री ह्यूमिक और एक प्रोडक्ट और आता है एग्री 82 के नाम से या एग्री 82 के नाम से। ये दो प्रोडक्ट फर्स्ट डोज में हमारे किसान साथी दे रहे हैं। और किसान साथी पिछले 6 वर्षों से इन प्रोडक्टों को भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने धान के खेत में। तो किसान साथियों, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम किसान साथी को मिले हैं पिछले 6 वर्षों से। तो आप किसान साथी क्या बारे में किसान साथियों, 6 वर्षों से लगातार इस डोज को लगाते आ रहे हैं या इस दवाई को अपने इस खेत में या धान के खेत में किसान साथियों लगाते हैं, और जिससे होता क्या किसान साथियों, बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे किसान साथी को मिले हैं और पैदावार में भी किसान साथी की बढ़ोतरी हुई है। और इस समय भी किसान साथियों ऐसा नहीं है, हमारे किसान साथी का काफ़ी अच्छा धान खड़ा हुआ है जिसमें कि किसान साथी ने अभी तक कोई नाइट्रोजन की डोज भी नहीं दी है। तो इस समय ये डोज चल रही है किसान साथियों, आगे आपको और दिखाते रहेंगे और बताएंगे इसके बारे में। और किसान साथियों, आगे हम अब किसान साथी से भी लेंगे किसान साथी का परिचय। किसान साथियों, अब हम जानेंगे किसान साथी का नाम और पता, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है और कितने वर्षों से ये प्रोडक्ट धान में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम योगेंद्र जी, तहसील। और सर, कितने वर्षों से आप धान में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं? 6 साल से आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं कंटिन्यू। और सर, मैं जानना चाहूँगा, आप ये फर्स्ट डोज दे रहे हैं यूरिया की? पहली खुराक किसान साथियों धान में दी जा रही है। और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके सामने जी, ये प्रोडक्ट है एग्री 82, और ये दूसरा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है एग्री ह्यूमिक, और एग्री ह्यूमिक ग्रेनवल्स है ये किसान साथियों, जिसमें दानेदार ये ह्यूमिक आता है। और उसके साथ साथ में किसान साथियों, हमारे किसान साथी ने डीएपी के साथ में हमारा नाइट्रोजन या यूरिया भी ले रहे हैं। और कितने बीघे में कितनी डोज है, किस तरह की डोज है, थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बता सकते हैं? 4 बीघा के लिए। अच्छा, आपकी ये 4 बीघे की डोज तैयार हुई है। लगभग अनुमान क्या क्या है? 25 किलो डीएपी है, और यूरिया की डोज 10 किलो यूरिया की डोज है। और इनका लगभग कितना अनुपात है? 4 बीघे के लिए 100 ml। अच्छा, 4 बीघे के लिए 100 ml, तो आपकी एग्री 82 है। तो एग्री ह्यूमिक की कितनी डोज ले रहे हैं आप 4 बीघे में? आधा किलो बीघे की आप ये लगा रहे हैं। तो किसान साथी, बहुत अच्छे परिणाम आप सभी किसान साथियों को, जैसा हमारे किसान साथी ने बताया, पिछले 6 वर्षों से यूज करते आ रहे हैं धान की खेती में। अब हम आपको दिखाएंगे किसान साथियों, इन किसान साथी का धान भी, और इसके रिजल्ट भी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किसान साथियों। तो किसान साथी, ये 4 चीज़ों का मिश्रण एक जगह कर रहे हैं, जिसमें किसान साथी आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे किसान साथी ने लिया है यूरिया, या इसे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ में फास्फोरस यानी कि डीएपी, और डीएपी के साथ में हमारे किसान साथी ने 2 प्रोडक्ट लिए हैं। एक है एग्री ह्यूमिक ग्रेनवल्स, और एक प्रोडक्ट का नाम है एग्री 82। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मिलाने का, ये किस तरह इसको मिक्स कर सकते हैं, इस तरह का काम आपको दिखा रहे हैं। और मिक्स करना क्यों ज़रूरी है, पूरी तरह ये एक प्रॉपर इसकी मिश्रण हो जाए तैयार। तो
किसान साथी, इसका मिश्रण आप देख सकते हैं, हमारे किसान साथी ने पूरी अच्छी तरह इसको मिक्स किया है आपस में, और जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा उतनी ही किसान साथियों इसका जो लेयर है वो यूरिया और हमारे डीएपी पर इसकी लेयर चढ़ जाती है, इसलिए इसको मिक्स करना या आपस में मिलाना बहुत ज़रूरी है, और जितना अच्छा आप इसको मिला लेंगे तो उतना ही अच्छा है। किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।